कुछ वर्षों पूर्व यूएसए न्यूज तथा वर्ल्ड रिपोर्ट ने अमेरिका के सर्वाधिक आय वाले व्यवसायों की एक सूची प्रकाशित की थी। उन्होंने कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को उच्च आय के आधार पर इनमें शामिल किया था। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को यह कहते हुए इस सूची में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया कि इसकी विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से उनकी ईर्ष्या स्वाभाविक है, अपने प्रतिद्वंद्वी को कोई कैसे आगे बढ़ते हुए देख सकता है। मान लीजिए आप शीशे और ग्रेनाइट से बनी एक शानदार विशाल इमारत में अपने मीटिंग हॉल में इस बात पर गंभीर रूप से चर्चा कर रहे हैं कि क्यों आपकी कंपनी की बिक्री का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। ऐसे में यदि आपका एक जूनियर अधिकारी स्पष्ट शब्दों में कहे कि फलाना नेटवर्क कंपनी के उत्पाद के चलते ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? स्वयं को इस स्थान पर रखकर सोचें, यदि आपकी कंपनी इस प्रकार के संकट में फंसी होती तो उसे उबारने के लिए आप कौन सा कदम उठाते? वैसे नियम तो कहता है यदि मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हीं के साथ हो लें, परंतु पारंपरिक व्यवसायियों के स्वयं के नियम होते हैं जिनके अनुसार यदि मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें बर्बाद कर दें, फिर चाहे इस चक्कर में स्वयं ही क्यों न बर्बाद होना पड़े। अगर अभी तक आप इस बिजनेस में नहीं आए हैं और आने का 100% मन बना लिया है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर अभी कॉल करें। 100% रजिस्ट्रेशन फ्री। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वागत है आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में।